नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने मासिक प्रेस वार्ता का आयोजन नया समाहरणालय के सभागार में किया। वही प्रेस वार्ता में उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले के विकास की योजनाओं को गिनाया और सभी योजना के बारे में बताया। आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, मत्स्य विभाग, पशुपालन, डेयरी, उद्यान, बागवानी और सामाजिक कल्याण से जुड़े दिव्यांग, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जिला प्रशासन जिले के विकास के लिए कृत संकल्पित है। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। विकास योजनाओं में पारदर्शिता रहे, इसके लिए प्रशासन कार्य कर रही है। गौरव ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए जनता दरबार लगाया जाता है, जहां सभी मामले का निष्पादन किया जाता है। बताया कि कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आए लोगों का उनकी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। पंचायत चुनाव के कारण हम लोग सभी बिजी थे, तो आज महीना के अंत में, जून महीना के अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से जिले में की गई जो रोजमर्रा की जो डेवलपमेंटल स्कीम्स होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें लोगों की इनकम बढ़ सके, लोगों को सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सके, लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके, लोगों को अन्य तरह की अगर कोई आपदाएं हैं तो उसको, उस पर जो जो उनको मुआवजा मिलना है, उनको जो राशि मिलना है, सरकार के कुछ वृहद कदम, सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स, उसको बताना, लोगों तक किस प्रकार से पहुँचाया गया है वो बताना, इस पर जो है आज सभी प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने गुमला की जिलेवासियों को बताए हैं। और इसमें प्रमुखता हम लोग ये चीज़ ध्यान दिए हैं कि एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से आपदा के स्तर से जो मुआवजा है, जो भूमि अर्जन किया गया है गुमला से, जो रांची की जो रोड बन रही है उस पर, उसको किस प्रकार से और बेहतर किया गया है। शिक्षा के, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ह्यूमन रिसोर्स, ये हम लोग कहते हैं कि रिक्रूटमेंट के दृष्टिकोण से और कैसे बेहतर कर रहे हैं, इस तरह के अन्य बहुत सारे कदम, और जो एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटी है उसमें किस तरह से रहे हैं, तो ये सभी दृष्टिकोणों को हम लोगों ने कम शब्दों में प्रेस के बंधुओं के सामने रखा है। आशा करते हैं कि जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा और लोग जागरूक होकर अपने अधिकारों को जान सकेंगे और पूरे हक से अपने अधिकारों की मांग रख सकेंगे। देखिए, सिविलाइजेशन जो एक टर्म है, सिविलाइजेशन अपने आप में एक टर्म है कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आप किस तरह से और बेहतर और सिविलाइज होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये डिपार्टमेंटल एंगल से बेहतर सर्विस डिलीवरी देना, ये एक्सपेक्टेशन आप लगातार करते रहिए और इस एक्सपेक्टेशन में एक्सेल करने का या बेहतर होने का कोई अंत नहीं है। तो काफ़ी सुधार हुआ है और सुधार की गुंजाइश है, वो हम लोग कर रहे हैं। एक एग्जांपल बस बता दें कि भू अर्जन में पहले काफ़ी शिकायतें थी, अब पब्लिक के सामने टाउन हॉल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। शिकायत की संख्या और शिकायत की जो डिग्री है, किस तरह की शिकायत है, उसे देख के लग रहा है कि सर्विस डिलीवरी बेहतर है, अगले महीना और बेहतर करेंगे। जैसे जैसे अन्य विभाग इन चीज़ों को सीखेंगे, सेवा भावना ज़्यादा होगी, आशा करते हैं कि और भी बेहतर इस सर्विस डिलीवरी में हम लोग पब्लिक को दे पाएंगे।